मौसम तुम जो देख रही कैसे हुए मौसम, ऐसा लग रहा हुआ कि आज तूफान आ जाएगा। जी हम भी यही कह रहे थे कि तुम्हें जे तूफान से बचाने के लाने हम क्या करें। हाँ। एक काम करो, हम बता रही सामने आओ, सामने तो आओ दादा। बाकी लाने तुम जो करो, पहले तो हमारी बढ़िया सी तड़ता के मतलब को बढ़िया टन आ जाए, चंपी कर दू, मालिश कर दू। बाकी बात भजिया वाले, ऐसे जैसे मौसम हो रहा है बढ़िया भजिया के पकौड़े, और बाकी बात एक बेहतरीन पान। पान? मालिश के बाद पान कौन खाते हैं? हम नहीं खाएंगे, वो पान तुम्हारे लाने जैसे कि का है कि तुम पान खा के अपनो बढ़िया टाइम पास करियो और हम आराम से सो जाएंगे। तुम्हारे तूफान का ना कोई फायदा नहीं है, सावन के पहले बादल जैसे खाली भड़भड़ातो है, ना गरजतो है ना बरसतो है। आज सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी, आज जो बादल गड़गड़ाएगो फिर गरजेगो और फिर बरसेगो भी, तो मैं तो आओ पहले तो आओ, अरे तो आओ। हम का कह रहे आज जो सावन गरजेगो बरसेगो तुम टेंशन ना लियो। नहीं रहे मैं नहीं लग रहा हूँ। अरे यार आज जाके घोड़ा बिक गए, हमें लग रहा हूँ हमसे ज्यादा जाको चूरन खिलाने पड़ेगो। अरे दादा नॉक 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 लात मारी लात मारी इतनी जल्दी? अरे तुम आ गई, तीन तीन महीने में बच्चे लात मारने लगे ना। हाँ। तो दुनिया की सारी औरतों की डिलीवरी 3 महीने में होगी। ना ना राजू, कछु झुरझुरी सी तो भाई थी। कछु झुरझुरी नहीं भाई, हमने दस्तक दी थी। अरे यार दस्तक दी जाती है दरवाजे पे, कैसे अंदर घुसने? इतने दस्तक का मतलब है तुम्हें पेट में घुसने का? ना ना मैं नहीं, जिस हिसाब से तुम्हारा पेट फैल रहे हो ना दरोगा जी, तो भाई अम्मा और डोकर दोनों अंदर बैठ के चाय पी लेंगे। देखो पहली बात तो तुम आओ करो ना, तो थोड़ा आराम से करो, करो ऐसे वजन ना धरू करो, जल लल्ला की जगह है। अच्छा लल्ला की जगह, हम कछु नहीं हम लल्ला के रुको पूछते हैं, लल्ला ऐसे ही पूछते तुम्हारे। लल्ला सुन रहे तुम, क्या कह रहे तुम्हारे पापा है? हमें तुम्हारी मम्मी और जे तुम्हारे पापा। नहीं नहीं, जे पापा कैसे हो सकते हैं, हमें तुम्हारी मम्मी और जे भी है तुम्हारी मम्मी। दिमाग खराब है क्या तुम? आओ हम मम्मी कैसे, हम तो मरते हैं। दरोगा जी जाकी कोख होते हैं वो मम्मी होते हैं। पता नहीं जो ससुर कोख में है कि हमारे गुर्दा पकड़ के झूल रहे हैं। जहाँ भी है जैसे भी है आराम से अच्छे से शांति से रहो। हम तो सोच रहे फटाफट हुए हम बेनी को दे आए। बेनी को दे आए मतलब कबूतर के अंडे नहीं है, बेनी को दे आए लल्ला है। यार ऐसा ना कहो, माने हमसे रिक्वेस्ट करी थी लंगूटिया यार, माने पहले ही हमें अर्जी डाल दी है अपनी, जो बाहर आएगा बाकी पास पहुंचा दें। ठीक है कोई नहीं, अपनी तो नौ नौ है, एक आठ ठैया दे देंगे, कहो खुश हो जाएगा वो। हाँ तो एक काम करो, पहले जिन नौ नौ ठैया का बंटवारा कर दो, बाकी बाद एक ही सोचियो। अरे यार नौ नौ ठैया को क्या मतलब है, हम तो सोच रहे बस फटाफट हो जाए, तुम तो जजोगाड़ में हो कि तुमने नौ नौ कर दे तो नौ गुणा नौ मतलब खूब टाइम ले हम है, हमें 81 महीना रखे रहे जाको कचा रहे तुम। जब बाबू कहाँ वो है, देखो हम अम्मा को बुलाएंगे अभी, अम्मा तुमको कान मरोड़ेंगे तुम्हारे। चुप अच्छा अच्छा नहीं 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 बुलाएंगे भाई, रोज रोना बंद करो। चुप चुप चुप। अरे यार इन्हें चुप कराओ, हमें घबराहट होती है घर में आने में। अच्छा तुम और नहीं चिल्ला, तू ऐसी चिल्ला चिल्ला के हमारा दिमाग खराब करो। अरे तो जाको तो चुप कराओ यार। कराए नहीं कराए, तुम बैठो। भवन के भाग जागल हो ललना लाल होई के दीपक मनवा में आस लागल हो। अरे दादा अरे तमाशा करो तुमने। अरे अब हमें समझ में आई कि तुम और कैसे का सह लेती हो और बच्चन को जन्म देती। दादा धन्यवाद दरोगा जी, कुछ समझ तो आई तुम्हें हमारी पीड़ा।
करना इतना आसान नहीं है। नहीं है। बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। बहुत बहुत है जो बताओ। हाँ? अरे तुम जो ककर नहीं दादा, अरे ये सब छोड़ो, ये फालतू के काम है। जजा वाली तो हमें दिलाई थी। ककर नहीं तुम ककर नहीं जो ककर नहीं जो हम जा रहे हैं अपने मायके हमेशा के लाने। हमेशा के लाने? हाँ। अरे जी कैसी बकवास कर रही तुम? बकवास नहीं कह रहे, बताए रहे। तुम ना आराम से अपने लाने एक बीवी ढूंढो जो जय घर के करेलन को ठीक और मीठा कर सके। अरे हमें ना चाहिए कौन बीवी। तुम एक सेकंड ठंडे दिमाग से एक बात सोचो। तुम जब ऐसी ऐसी ड्रामा करके तुम जाती हो ना, मोहल्ला वाले हंसते हैं। तुमने सोची है कि लोग हमसे पूछेंगे काय भैया तुम्हारी बीवी भग गई एक छोटे से करेला की बात में, क्या जवाब देंगे? तुम्हें जाकी चिंता नहीं कि हम घर छोड़कर जा रहे हैं हमेशा के लाने, तुम्हें जाकी चिंता हो रही है कि लोग तुम पे हंसेंगे। नहीं 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 ओ दादा जो 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 हमारा जो मतलब ना है तो जो तुम गलत समझ गई, जो हम तय करेंगे जो जो गलत समझ गई। हम गलत समझ रहे थे दरोगा जी, अब हमने सही समझो है। का हमें लग रहा हो तो कि हमारा ब्याह एक बहादुर शेर से भाव है। वो तो भाव है ना भाव है। अरे काहे नहीं भाव है, हैं शेर हैं हम तो। सर कौन शेर नहीं हो तुम? तुम ना जब पिल्ला हो जो अपनी मम्मी के आगे पीछे ऐसे दूम हिलाते घूमते रहते ब्याह के हमारे 20 साल बाद भी। का बोली तुमने? हम पिल्ला हैं? हो अरे दादा जी नो ठैया हमने तुम्हें लल्ला दे, तुमने एक पल में उनके बाप को पिल्ला बना दो। जो 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 गलत बात है, जो 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 गलत बात है। गलत बात नहीं सही बात है। तुम ना हमें बेवकूफ समझ रहे हो। हम बेवकूफ हैं नहीं, ठीक है? हम सही सही कहो, ये बात तुम्हारी अम्मा ने कही थी ना कि अपनी बीवी से मीठे करेले बनवाओ, कही थी कि नहीं? अरे नहीं कही। नहीं कही हम जानते हैं। अरे दादा बिल्कुल नहीं कही। चुप रहो बस, सुनो माई बात। कल को तुम्हारी अम्मा कहेंगी रज्जू से कह दो जाके ज्वालामुखी में पराठे सेक लाए तो तुम तो हमें भस्म होने के लिए वहाँ भी भेज दोगे। अरे ना, ना वो दादा तुम्हें कैसे भस्म करेंगे? तुम हमारी बात सुनो, बात सुनो ठंडे दिमाग से, एक बात सुन लो हमारी। तुम्हें क्या लगता है अम्मा ही कहेगी खट्टो खा लो अप्पू खट्टो खाएगो, अम्मा कहेगी तीखो खा लो अप्पू तीखो खाएगो? नहीं, हमारे ससुर खुद भी करेला पीठू वालू खाने को मन हो सकता है, हम भी तो मन कर सकते ना। हमने अपने मन की सुनी, अम्मा की तो सुनी नहीं है। ठीक है, तुमने सही में अपने मन की सुनी? बिल्कुल। ठीक है तो रखो हमारे सर पे हाथ और खाओ कसम कि जे साजिश तुम्हारी अम्मा की नहीं हती, तुम्हारा मन कर रहे हो तो कि तुम मीठे करेले खाओ। अरे ना 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 फालतू की बात ना करो, जे हाथ हमारा खा जाओ ताकि हम कुछ करने के लायक नहीं रहे। फिर तुम्हारी अम्मा कहे जाके ले जाओ के फेंक दो कहीं, जे कुछ नहीं कर पाते। फिर अम्मा घुस गई। एक सेकंड हमारे तुम्हारे बीच में हो दादा, चैन ना लगाओ, हम बीपी बढ़ते हुए तुम सूट के इसको हाथ ना लगाओ। तुम पहले ठंडे दिमाग से एक सेकंड ठंडी हो जाओ बस। हमें कसम खा ली, हमें ऐसा पता हो तो तुम्हारे जितने बार रहेंगे हम सब बच्चा पैदा करते 2, 4, 8, 12। बंद करो अपनी फालतू की गिनती, हम 5 ले जाते तुम 4 रखो। अरे ना 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 नो 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 ये साथ रहेंगे तुम एक अच्छा एक सेकंड हमने कान पकड़ लो। ओ दादा एक तो तुम तटैया जैसी भक्ति का आए हो तुम, इतने आओ इतने आओ। हम क्या कह रहे हम कान पकड़ रहे सारे जीवन में आज के बाद ना घर में करेला आएंगे बनो तो दूर की बात, ना तीखो खाने ना मीठो खाने, आज दुकान से सारो जिंदगी में करेला खरीद के ही नहीं ले आने। लेकिन तुम कछु ना खाओ भूखे रहो हम जा रहे। अरे ना जाओ दादा, ओ ओ ओ तुम इतने आ जाओ इतने आ जाओ, हम घबराते हैं। अठारह हजार की तो जुगाड़ हो जाएगी, ये 16,000 कहाँ से ले आए सोसो? तुम्हारे लाने पान का चाहिए? हद है यार, मतलब तुम्हारे लाने पान लाया तुम, जो अगली बार तुमने ऐसी बात कही ना हम बदायूं चले जाएंगे। जाको मतलब फेरी पड़ने में कछु चाहिए नहीं है? कछु नहीं चाहिए हमें, हम का अपने पति को पान नहीं खिला सकते। अरे ना ना, असल में क्या है कि एक तो जो देख रही ना तुम आदमी को दिमाग आज उलझ हुए थे, दूसरी बात क्या है थाने में रहती है ना सारो 24 घंटे काम धंधा में, बीच में हमारे दिमाग में न्योछावर ही घूमती रहती है, तो पत्नी भी प्यार से पान देना तो लगते हुए कछु चाहिए है। हमें कछु नहीं चाहिए। सॉरी सॉरी सॉरी, हम खा ले? ना ना हमें खिला दो। सुनिए दरोगा जी, हमें ना कछु कहना है। यार घूम फिर के बात तो वही आ गई, मुंह में गौसारो पान तो तुमने फिर वही माहौल बनाओ, हमें कछु कहने तुम्हें चाहिए तो कछु ने कछु है, हम समझ गए समझ गए हम समझ गए दादा। हमें कछु नहीं चाहिए दरोगा जी, हमें कछु कहनो है। का कहनो है? ने तो पार्क में जाके का करेंगी, तितलियां उड़ाएंगी? ना फिर कुछ बातें करेंगे तो इतने कर लूं ना।
इतनी खुशबू ना है दरोगा जी। तो हमें सूंघ लियो। तुम्हें 19 साल से सूंघ रहे हैं जी। हमारा मतलब है हमें कुछ और सूंघना है। कछु और सूंघने मतलब? नहीं नहीं, हमारा जी मतलब नहीं, हमारा मतलब है खुली हवा, सुगंधित हवा।